हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जैक एंड के व्लॉग्स। बहुत दिन के बाद मैं आज वापस आ गया हूँ एंड एक नया व्लॉग के साथ। एंड आज हम जा रहे हैं स्कूबा डाइविंग के लिए, जो कि फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करने वाला हूँ। एंड आई हैव नो क्ल्यू कि कैसे क्या होता है वहाँ पे, जो भी करवाएंगे एक्चुअली उसी हिसाब से मैं आपको बोलूँगा। एंड मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी आ रहा है अली, सो उसी से भी आपको मिलवाता हूँ मैं आगे जाके। सो यू गाइस कीप वॉचिंग द व्लॉग टिल द एंड, एंड जाते जाते सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना इस चैनल को। थैंक यू। वेट, अब रुको और आगे जाओ। तो पहुँच चुका हूँ अली को पिक करने के लिए एंड भाई साहब अली आएंगे अब। ये देखो भाई साहब आ गए। कुछ बोलेगा भी अब? अच्छा, बोलने का भी था। अच्छा, आज का ट्रिप स्पॉन्सर्ड बाय अली वाला चश्मा तो ले ले। अच्छा, मतलब घूमे तो बोलेगा दे दे भाई। अच्छा, रेवन की इज्जत रखा तूने। हमें कैसा लग रहा है इसको? चलो, मैं देख ही नहीं रहा हूँ। अच्छा लग रहा है। अभी हम पहुँचे कलंगुट। अभी हमें कलंगुट से सिंकरीम जाना है, जहाँ पे अपनी स्कूबा बोट खड़ी होगी। और फिर अभी जाते जाते कुछ खा लेते हैं रास्ते पे, ताकि बहुत भूख लग रही है क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया हम लोगों ने। अभी भी 8 बज रहे कुछ। सो या गाइस, अभी हमें यहाँ पे समोसा मिला है गरम गरम और चाय, जो बहुत अच्छा लग रहा है। अब गाइस मैं जल्दी जल्दी में तो शॉर्ट्स लाना भूल ही गया, तो अभी एक शॉर्ट्स लेते हैं और पहन लेते हैं। और ये मैंने ख़रीद ली, अभी यहाँ पे यहाँ से चलते हैं। अच्छा प्राइस तो नहीं दिया, बट मजबूर थे तो ले लिए। गाइस अभी हम ऑलमोस्ट सिंकरीम पहुँचने वाले हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। एंड आज का वेदर भी बहुत अच्छा है एंड उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन भी बहुत खूबसूरत हो। एंड अब हम पहुँच गए, वे कॉलिंग दैट पर्सन आउट, सो हमें डायरेक्ट बोट पे लेके जाए। तो जितने भी लोग दिख रहे हैं सब स्कूबा के लिए रुके हैं यहाँ पे, बहुत लोग जाते हैं वैसे भी। एंड ये अपने बंदे हैं जो हमें स्कूबा को लेके जाने वाले हैं आज। सो यस, आज जर्नी बिगिंस फॉर स्कूबा डाइविंग टुडे। बहुत ठंडा पानी है गाइस, एंड दिस इज आवर सीट एंड दिस इज आवर व्यू। अब यहाँ से हम जाने वाले हैं। और सेफ्टी पर्पस जैकेट पहन के बैठना बहुत ज़रूरी होता है बोट में, ताकि कुछ हादसा होने से बच जाए। एंड हमने पहन लिया है। गणपति बप्पा बोलिया। पहली बार उसको बाकी वो बात करेगा, उसको ही जाएगा खाना रे। ट्राई किया है, मैं जिंदगी में पहली बार पानी के अंदर जाता हूँ। अभी हमारी बोट 200 की रफ्तार से चल रही है, जो भी बहुत जल्दी हमें पानी के अंदर लेके जाएगी, मतलब स्कूबा डाइविंग से। अभी हमको यहाँ पे स्नैक्स दिया जाएगा, मतलब मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। एंड क्या है ब्रेकफास्ट में मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और ये है ब्रेकफास्ट में क्या है अंदर? समोसा है, एक सैंडविच है और एक जूस है। सुबह से आए जब से समोसा ही खा रहा हूँ, अभी भी समोसा खा रहा हूँ। समोसा इज लाइफ गाइस। प्लीज़ नोट, सिंकरीम से टू द मेन आइलैंड जहाँ पे हम स्कूबा करने जाने वाले हैं, वहाँ का जर्नी ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का है बाई बोट। अब 45 मिनट्स तक हम बोट में ही वहाँ तक पहुँचने वाले हैं। एंड अभी बज रहे 10:05 और मोर 35 मिनट्स टू रिच देयर। मैनिंग वाला है ना?
अपना स्कूबा होने वाला है। जो सामने जो आइडलैंड दिख रहा है यहाँ पे होगा अपना स्कूबा आज। एंड मेरे को तो थोड़ा बहुत डर लग रहा है क्योंकि ये पहली बार ये सब चीज़ें कर रहा हूँ मैं, और लोग भी कुछ लोग डरे हुए हैं जैसे मैं, बट एक्साइटमेंट भी उतनी ही है क्योंकि पहली बार हो रहा है। सो यस, अभी कुछ ही देर में हम पानी के अंदर होंगे। गाइज, बिफोर यू डू स्कूबा, यहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर आता है और स्कूबा के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है कि पानी में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, व्हाट आर द साइंस सिग्नल्स दैट यू कैन गिव अंडर वाटर। सो ये बता रहे हैं सर, सिग्नल का यूज करना पड़ता है, ये हैंड सिग्नल है जो आपको अंडर वाटर यूज करना है। ये हमारा आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। अंडर वाटर हम लोग बात नहीं कर सकते, इसलिए हमें सिग्नल का यूज करना पड़ता है। ये हमारा अंडर वाटर सिग्नल है, हैंड सिग्नल, फर्स्ट सिग्नल है ओके का, ठीक है। हम पानी में आपको बार बार पूछेंगे आर यू ओके, ये हमारा पानी के अंदर क्वेश्चन भी है और आंसर भी है, ठीक है। आता है या तो आपको ऊपर आना है, तो ऊपर आने के लिए आपको अप करना है, ठीक है। नीचे जाने के लिए आपको डाउन करना है, ओके। अभी देखिए पानी के अंदर पहला हम ये मास्क लगाते हैं और आपको BCD लगाते हैं। मास्क लगाने के बाद होता क्या है, हमारे आँख और नाक पैक हो जाते हैं, मतलब हमें नाक का यूज नहीं करना है, ठीक है। आपको मुंह से सांस लेना होगा और मुंह से ही छोड़ना होगा, ठीक है। अगर आप नाक का यूज करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, आपके मास्क में पानी चला जाएगा, अगर पानी नहीं गया तो फॉग आ जाएगा, फॉग आने से पानी के अंदर सब कुछ आपको ब्लर दिखेगा, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान देना है, आपको नाक का यूज नहीं करना है, आपका नाक पैक रहेगा, ओके। गाइज, आफ्टर द इंस्ट्रक्शन अभी स्कूबा डाइविंग शुरू हो चुका है, एक एक करके ले जाया जाएगा एंड अपनी बारी भी बहुत जल्दी आने वाली है। दिस इज क्रेजी रूट, क्रेजी। अब आ गई अपनी बारी, अब पहले आदि जा रहा है, उसके बाद मैं जा रहा हूँ। नहीं भाई साहब तो ऑलवेज मजे में रहते पानी में जाने के लिए। ए, मेरा टर्न। गुड एक्चुअली, बट मेरा फर्स्ट टाइम था, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम आ रहा था नीचे, बस एवरीथिंग वाज ऑलराइट, द टाइम वाज वर गुड। ऑलमोस्ट मैं 3 बार ऊपर आया, स्टिल दे टुक मी देयर इनसाइड, एंड मैंने फिर बोला कि ज़्यादा नीचे मत जाओ क्योंकि नहीं हो रहा है, क्योंकि मास्क अच्छा नहीं था तो पानी नाक में चला गया ना। जिनका भी कॉम्बो पैक था उनका यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स होगा, हम वाटर स्पोर्ट्स नहीं कर रहे क्योंकि हम लोग ने ऑलमोस्ट बहुत बार पहले कर चुके हैं, तो अब हम यहाँ पे सिर्फ मज़े लेंगे और इस बीच का मज़े उठाएंगे और यहाँ से वापस बोट में बैठ के चले जाएंगे। गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको ये बहुत पसंद आया रहेगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो यू कैन गेट माई व्लॉग्स एज सून एज पॉसिबल। एंड थैंक यू।